हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ शमशेर, पीजीटी मैथ्स. बेटा, 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.5 चल रही है. 7.5, कल 7.4 की एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे. इसमें है बेटा इम्प्लिसिट फंक्शंस. कैसे फंक्शंस हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस. डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. इम्प्लिसिट फंक्शंस में एक्स एंड वाई मिक्स मिलेंगे आपको, ठीक है? तो डायरेक्ट आपने डेरिवेटिव करना है, बाद में डेरिवेटिव की टर्म्स आपने एक तरफ करनी है, बगैर डेरिवेटिव की टर्म एक तरफ करनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की. देखिए, वी है. अब आपको ये नहीं लिखना है कि लेट वाई इज इक्वल टू, जो है वही रहेगा. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब जितने भी टर्म्स प्लस माइनस में, एक अलग अलग डायरेक्ट हो जाएगा. ए तो एज ए कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट हो जाएगा 2 एक्स. फिर एक्स का वन होता है, प्लस 2 एच एज ए कोफिशियंट है. एक्स वाई होगा यू इंटू वी सी, फर्स्ट एज इट इज, डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, और डेरीवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1. फिर बी एज ए कोफिशियंट है, वाई स्क्वेयर का हो जाएगा 2 वाई. पावर के हिसाब से करते हैं, ये बता रहे कि अंदर फंक्शन का जरूर करें तो वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है. फिर प्लस 2g एज ए कोफिशियंट है, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, प्लस 2f एज ए कोफिशियंट है, और वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और सी का डेरिवेटिव होगा 0, कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल्स टू 0. इसके बाद वो टर्म्स आप लेफ्ट में रख लो जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स है. तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2hx इस टर्म में है, प्लस 2by इस टर्म में भी है, प्लस 2f, और इन सभी में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे. बाकी ले जाओ आप राइट में ले जाओगे, सारी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगी. 2ax माइनस हमने कॉमन ले ही ली, प्लस 2hy प्लस 2g, क्लियर है? अब जो मल्टीप्लाई में, तो उसको डिवाइड में भेज दो, और 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ. ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर? ये था फर्स्ट पार्ट. इसके बाद चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में. देखिए, सेकंड पार्ट, वी हैव एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब यहां पर दोनों के बीच में प्लस अलग अलग डायरेक्ट होगा. यू अपॉन वी फॉर्म अप्लाई करते हैं हम. अगर ऊपर भी वेरिएबल होता, नीचे भी वेरिएबल होता, तो लेकिन नीचे तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a² तो एज ए कोफिशियंट हो गया, और x² का डायरेक्ट होगा 2x प्लस 1 अपॉन b² तो एज ए कोफिशियंट हो गया, और वाई स्क्वेयर का डायरेक्ट होगा 2y पावर के अकॉर्डिंग, और फिर वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स. यहाँ पर पावर के अकॉर्डिंग 2x, और फिर एक्स का क्या हो जाता है 1, और इज इक्वल्स टू 1 का डायरेक्टिव क्या हो जाएगा 0. अब इसमें से वो टर्म रखो लेफ्ट में जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी राइट में, क्योंकि आपने वैल्यू किसकी बतानी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की. तो ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वेयर. 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल. अब
आप डी वाई अपॉन डी एक्स बताएंगे तो बी स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बी स्क्वेयर एक्स अपॉन ए स्क्वेयर वाई यहाँ मल्टीप्लाई में थी, इधर डिवाइड में आ जाएगा। बस यही बेटा आपका रिजल्ट है, क्लियर। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, एक एक पार्ट करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट आपके पास है, वी हैव एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर 2/3। ये डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव पावर के मुताबिक करेंगे तो 2/3 एक्स रेज टू पावर -1/3 प्लस 2/3 वाई रेज टू पावर -1/3, क्योंकि पावर में से कम होता है, और फिर वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि पावर के मुताबिक करके फिर आप ए का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपने वैल्यू किसकी बतानी, डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना इधर बाकी उधर 2/3, पावर नेगेटिव नीचे लिख देते हैं, y रेज टू पावर 1/3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये टर्म उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, -2/3 और x रेज टू पावर 1/3। अब जो मल्टी 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, y को आप वहाँ भेज दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, दोनों की पावर सेम है, आप सेम पावर इकट्ठी लिख सकते हैं, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट बेटा एक्स रेज टू पावर 3 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस वाई रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 3a इंटू एक्स वाई। ये डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डायरेक्टिव हो जाएगा 3x स्क्वेयर, और फिर x का 1, ये हो जाएगा 3y स्क्वेयर, पावर के मुताबिक जब डायरेक्टिव करते हैं तो पावर आगे जाएगी, पावर में से कम करते हो, और इनटू में अंदर फंक्शन है y, y का डायरेक्टिव क्या होगा dy अपॉन dx, 3a एज ए कोफिशियंट है, इसका u इंटू वी से करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1। आप वो टर्म्स लेफ्ट में ले आओ जहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो 3y स्क्वेयर माइनस 3ax इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि आपने वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की बताई, बगैर डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म एक तरफ लीजिए, 3ay माइनस 3x स्क्वेयर। अब जो इधर मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दो और 3 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, ये आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा पार्ट था ये आपके पास था, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए वी हैव एक्स वाई क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स, डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डायरेक्टली यू इंटू वी फॉर्म से होगा, क्वेश्चन का फेस क्लियर बताएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हो गया। बीच में माइनस, इसलिए ब्रेकेट होना बहुत जरूरी है, प्लस होता तो कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, आप सीधा कर सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव पावर के मुताबिक होगा 3y², और बता रखा है जो ही पावर के मुताबिक डेरिवेटिव करते हैं तो अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव जरूर करें, तो वाई का dy अपॉन dx, y³, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस वाई, इसका हो जाएगा 3x², एक्स का 1 होता है, फिर माइनस होगी ये माइनस x³, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब वो टर्म्स लेफ्ट में रखो जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, 3xy² माइनस x³ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी टर्म्स राइट में ले जाओ, ये तो हो जाएगी प्लस की 3x² y माइनस y³। अब मल्टीप्लाई में उसको आप डिवाइड में भेज दीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा आपके पास 3x² y माइनस y³ डिवाइडेड बाई 3xy² माइनस x³, ये रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम इसके सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट क्या है, वी हैव x² y प्लस y² x इज इक्वल्स टू a² x² y प्लस y² x इज इक्वल्स टू a² डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u इंटू v, यहाँ भी u इंटू v फॉर्म चलेगी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट थी ए स्क्वेयर भी कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब x² y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y, ये डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस y², एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1x, y² का पावर के मुताबिक तो हो जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। आपने वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की बतानी, तो वो टर्म्स इधर रखे जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, x² प्लस 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी टर्म्स राइट में जाकर नेगेटिव हो जाएंगी, तो y² प्लस 2xy, अब मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास हो जाएगा माइनस y² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x² प्लस 2xy, 2xy कैंसिल मत कर देना, यूं कैंसिल नहीं होता है। ये था बेटा इसका सिक्स्थ पार्ट। अब चलते हैं इसके सेवंथ पार्ट में। सेवंथ पार्ट देखिए, वी हैव x²² प्लस y² का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a² x² माइनस b² y², पहले इस स्क्वेयर को सोल्व कर लेते हैं हम, तो स्क्वेयर को सोल्व करोगे तो x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x²y² इज इक्वल्स टू a² x² माइनस b² y². अब डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 4x³, ये हो जाएगा 4y³ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, टू एज ए कोफिशियंट है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू a² एज ए कोफिशियंट है, x² का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस b² एज ए कोफिशियंट है, y² का होगा 2y, और फिर y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब वो टर्म्स लेफ्ट में कर लीजिए जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो एक तो 4y³
प्लस 4x² y प्लस हो जाएगी 2b² y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बाकी राइट में लेकर जाइए 2a² x माइनस 2y² x माइनस 4x³। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बताएंगे तो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपके पास है। यहाँ से 2b कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास हो जाएगा a² माइनस y² 2 और x कॉमन ले लिया माइनस 2x² डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 और y कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है? तो आपके पास एक मिनट 2a² x माइनस 2y² x 2 मल्टीप्लाई में है 4 होगा 4y² x प्लस 4x³। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 होगा 2y² क्लियर है? तो डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 2y कॉमन ले लेंगे 2y² प्लस 2x² प्लस 2 कॉमन ले लिया था 2b² y आपने कॉमन ले लिया था। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं तो 2x² प्लस 2y² ये हो जाएगा और डिनोमिनेटर बाय 2x² 2y² प्लस 2b² बिल्कुल सही है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके 8th पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के 8th पार्ट में क्या बोलते हैं देखिए। वी हैव x² माइनस y² का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4xy। पहले ये होल स्क्वेयर सोल्व कर लीजिए आप, x^4 प्लस y^4 माइनस 2x²y² इज इक्वल्स टू 4xy। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 4x³ प्लस 4y³ इंटू dy अपॉन dx माइनस 2 एज कॉप्शेंट है, यहाँ डायरेक्ट होगा u इंटू v से। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4 एज कॉप्शेंट है, u इंटू v से डायरेक्टिव होगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1। अब आप वो टर्म्स लेफ्ट में ले आओ जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, 4y³ माइनस 4x²y माइनस 4x और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को मन ले लेंगे इज इक्वल्स टू ये टर्म राइट में है 4y, इनको भी राइट में लेकर के जाएं इधर नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव होगी, प्लस 4y² x माइनस 4x³ ये रहेगी। अब अगले स्टेप में आप डी वाई अपॉन डी एक्स बताएंगे तो 4 तो कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस y² x माइनस x³ डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचेगा y³ माइनस x²y माइनस x। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। ठीक है बेटा, तो 8th पार्ट में आपके पास है माइनस x³ प्लस y² x
प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई माइनस एक्स। ये था आपका लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। आगे के क्वेश्चंस बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। फिलहाल यहाँ तक है, किसी पार्ट में कोई दिक्कत पूछो। इसमें आपने ये नहीं लिखना लेट वाई इज इक्वल टू, ऑलरेडी दो पार्ट दिए मिलेंगे और एक्स और वाई मिक्सअप होंगे, उनको अलग नहीं कर सकते। तो आपने सीधा डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव करने के बाद ब्रेकेट सोल्व करो और फिर वो टर्म से एक तरफ कर दो जिनमें डी वाई पॉइंट डी एक्स है और वो दूसरी तरफ कर दो जिनमें डी वाई पॉइंट डी एक्स नहीं है। फिर जिनमें डी वाई पॉइंट डी एक्स उनमें डी वाई पॉइंट डी एक्स कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दो। हर क्वेश्चन इस तरीके से होगा। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, थैंक यू।